मैम प्लीज। खाना बहुत मजे का था। अच्छा तुम्हें मजा आया, एंजॉय किया? गुड। अंकल आप यहाँ, सब खैरियत? जी मैं वलीद। भाभी जान हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, दवा भी वक्त पे नहीं लेती। ऐसे में तुम्हें उन्हें अकेले घर में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। क्या हुआ मामा को? मामा ठीक तो हैं? भाभी का बीपी खतरनाक हद तक शूट कर गया था, ये तो अल्लाह का शुक्र है सुरैया ने बरवक्त फोन करके मुझे इत्तला दी, वरना बात ब्रेन हैमेज तक पहुंच सकती थी। सुरैया तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल की? वलीद भाई मैंने आपको फोन किया था मगर आपका फोन ऑफ था। मेरा फोन कब ऑफ था? वलीद क्या करते हैं आप, फोन ऑफ रखा हुआ है आपने। अंकल मामा ठीक तो है ना? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पुरसकून है, लेकिन अगर सर में दर्द महसूस करें तो उन्हें हॉस्पिटल ले आना। जी मैं चलता हूँ। साफ पता चल रहा है ड्रामा कर रही है बेटे को डराने के लिए। मामा मामा उठे ना, आंखें खोले, आपको क्या हो गया? उठे उठे उठे, आंखें खोले। मामा को रेस्ट करो, रेस्ट करो। वलीद मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, देखे ना ये आंखें नहीं खोल रही। डॉक्टर ने मामा को नींद की मेडिसिन दी है, जितने सुकून से सोएंगी उतनी जल्दी रिकवर करेंगी, तुम परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो, देखे ना कैसे लेटी हुई है जैसे मुर्दा। ये क्या कह रही हो? मेरा मतलब है कि अल्लाह ना करे पर देखिए बेचारी की क्या हालत हो गई है। वलीद आप भी हद करते हैं, आपको अपना फोन ऑफ नहीं करना चाहिए था, देखें क्या कयामत गुजर गई है हम पे। I really don't have any idea मेरा फोन कब कैसे ऑफ हो गया, लेकिन तुम परेशान हो, मैं मामा का ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, अगर इमरजेंसी हुई तो एम्बुलेंस को बुला लेंगे। तुम जाओ चेक चेंज कर। मैं जा रही हूँ, लेकिन आप मामा के पास से हिलना मत जब तक मैं वापस नहीं आती। मैंने वलीद साहब को फोन किया था, उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। वो जिस वक्त तुम वलीद को फोन कर रही थी ना, वो उनका फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, उन्होंने अभी चेक किया है। डॉक्टर शौकत फैमिली डॉक्टर है, मैंने उन्हें फौरन फोन किया, वो भी लेट हो गए और बेगम साहिबा की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर साहब तो खुद बहुत परेशान हो गए थे, फिर उन्होंने 3 इंजेक्शन लगाए, फिर कहीं जाके बेगम साहिबा का बीपी नॉर्मल हुआ। कल आंखें खोली थी? जी वो इंजेक्शन की वजह से गहरी नींद सो रही हैं, अगर इनका बीपी बढ़ जाए तो इनको फौरन अस्पताल शिफ्ट कर दें, वरना फालिज भी हो सकता है। अच्छा तुम मेरे और वलीद के लिए कॉफ़ी बना के मामा के कमरे में ले आओ। जी अगर फॉलेज हो गया तो और मुसीबत पड़ जाएगी, पड़ी रहेगी बुत बन के।